अमित शाह जी के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे राहुल जी लोकसभा में बोले, यहाँ रायपुर के अधिवेशन में उन्होंने कहा, उसके बाद लोकसभा पूरे बाधित, सत्ता पक्ष द्वारा चलने नहीं दिया गया माफी मांगने के नाम से, उसके बाद गुजरात के कोर्ट में कर्नाटक के मामले में जो केस लगाया था मानहानि का, उसको गुजरात में शिकायत की गई और जो शिकायत करता वो अपने केस में हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था, 2019 का मामला। 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने, राहुल जी ने ये बात कही, वो 16 फरवरी को हाई कोर्ट में खड़ा होकर स्टे वेकेट करा लिया और उसके बाद 16 मार्च तक के सब सुनवाई इनवाई सब हो गया और 23 मार्च को फैसला आ गया, 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये इसी प्रकार की क्रोनोलॉजी है। अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, भाई अडानी की मांग कर रहे हैं ना, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को कहते हैं हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या अडानी भाजपा है? वैसे अडानी जब हिडनबर्ग हुआ था तब अडानी ने खुद ही कहा था ये भारत पर हमला है, इसका मतलब क्या समझा जाए?